के प्यार में के बाद अब एक और स्टार प्लस के शो में होने वाली है किसी की एग्जिट। क्लाइमेक्स के साथ साथ कौन सा कैरेक्टर लेगा शो से अलविदा। हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। स्टार प्लस के शोज में एक से बढ़कर एक हंगामे देखने को मिलते हैं, प्रोफेशनली भी नजर आते हैं कई बार लोगों की नाराजगी। ऐसे में अब जब ऐश्वर्या शर्मा ने अपने शो को छोड़ दिया है और पाकी का कैरेक्टर भी खत्म हो चुका है, वहीं दूसरी ओर टेलीविजन में और स्टार प्लस के एक और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है भी टीआरपी की लिस्ट में हमेशा सेकेंड पोजिशन पर बना रहता है। इसकी कहानी लोगों को बहुत पसंद आती है, सालों से ये दर्शकों के मनोरंजन में लगा हुआ। ऐसे में यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की भी एंट्री हुई है। कुछ महीनों से अभिनव यानी कि जय सोनी इसका किरदार निभा रहे हैं। जब से जय सोनी की एंट्री हुई है ये रिश्ता क्या कहलाता है में, तब से शो की चांदी हो चुकी है। पहले शो की टीआरपी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन जय सोनी की एंट्री के बाद अब टीआरपी बहुत ही ज्यादा हाई हो गई है। ऐसे में अब खबरें सामने आ रही हैं कि जय सोनी जल्द ही ये रिश्ता क्या कहलाता है को अलविदा कह देंगे। जी हाँ, आने वाले कुछ एपिसोड्स में क्लाइमैक्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स का दौर शुरू रहेगा। आने वाले कुछ एपिसोड में आपको क्लाइमैक्स में देखने को मिलेगा कि फाइनली जब अभीर को पता चल गया है कि अभिनव उसके असली पिता नहीं है, अभीर अभिमन्यु से दोस्ती करने के बाद अब उससे मदद मांगेगा और कहेगा कि वो उसके असली पिता को ढूंढने में उसकी मदद करे। ऐसे में अब देखने को ये भी मिलेगा जब अक्षरा और अभिनव को भी पता चल जाएगा कि अभिर अब सारी सच्चाई जानता है, तो अभिनव एक बहुत बड़ा फैसला लेगा। अभिनव फिर से अक्षरा और अभिमन्यु को एक कर देगा ताकि वो अभिर की अच्छे से परवरिश कर सके। इसी के साथ साथ अभिनव का कैरेक्टर का दौर भी खत्म हो जाएगा और जय सोनी इस शो से एग्जिट ले लेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो अफवाहों का बाजार गर्म है और खबरें उड़ रही है कि जय सोनी जल्द ही ये रिश्ता क्या कहलाता है शो क्विट कर देंगे। अब जय सोनी के शो छोड़ने के बाद शो की कहानी किस तरह से आगे बढ़ेगी और किस तरह से अक्षरा और अभिमन्यु अभिर की परवरिश करेंगे, आप जय सोनी को कितना ज़्यादा मिस करेंगे और आप इसके कैरेक्टर अभिनव को कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।